कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल मेरे कानों में अमृत घोल मेरे कानों में अमृत घोल मेरे कान कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा रसिक जनों का परम सहारा रसिक जनों का परम सहारा नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधा रानी सुखदेव जी को कृष्ण नाम सिखाती हैं इसलिए सुखदेव जी को राधा रानी से कृष्ण नाम प्राप्त हुआ है इसलिए सुखदेव जी राधा रानी को गुरु मानते हैं इसलिए भागवत जी में राधा रानी का नाम लेने से बचे चूंकि गुरुदेव का नाम लेने से बचना चाहिए और सुखदेव जी को श्री जी के चरणों में प्रेम इतना है कि एक बार राधा कह देते हैं तो उनको 6 महीने की समाधि लग जाती है भाव समाधि लग जाती है तो इसलिए भी सुखदेव जी श्री जी का नाम सीधा सीधा लेने से बचे तो राधा रानी कृष्ण नाम सुनाती हैं कभी यही सुखदेव उड़ते उड़ते श्री कृष्ण के हस्त कमल पे विराजमान हो जाते हैं तब श्री कृष्ण भी इन सुखदेव को अनार के दाने पवाते हैं और श्री कृष्ण भी सिखाते हैं श्री कृष्ण क्या सिखाते हैं शुक राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल राधा राधा बोल शुक राधा राधा ओह राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल मेरे कानों में अमृत घोल मेरे कानों में अमृत घोल मेरे कानों में अमृत राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल राधा नाम प्राण से प्यारा राधा नाम प्राण से प्यारा राधा नाम प्राण से रसिक जनों का परम सहारा जनों का परम सहारा नाम की महिमा है अनमोल नाम की महिमा है अनमोल राधा राधा बोल शुक राधा राधा हो राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल
हाँ हाँ राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। तो श्री कृष्ण भी सुखदेव जी को सिखाते हैं सुनाते हैं।